जय मामादेव। तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल की ओर से आयोजित इस डिजिटल समर कैंप में सभी मदर पेरेंट्स का, मैं प्रतीक्षा शंघाणी और मिसेस ग्रीष्मा गोंडलिया आप सभी का स्वागत करते हैं। आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। वेल, आज हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। लॉकडाउन की सिचुएशन में हमने स्टूडेंट्स को बहुत सारा होमवर्क भी सिखा दिया, बहुत सारा आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा, डांस सब कुछ सिखाया। अब हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट के साथ साथ उसके पेरेंट्स की यानी कि उसकी मॉम को भी हम कुछ नया सिखाए, और इसके लिए हम आपके साथ यहाँ पे उपस्थित है। हम आज आपको फैब्रिक पेंटिंग सिखाएंगे और फैब्रिक पेंटिंग में कुछ इजी टेक्निक से आप टी शर्ट पे या रुमाल पे या कुशन कवर पे और अलग अलग कोई भी आइटम पे किस तरह से पेंटिंग कर सकते हैं, वो हम आज आपको सिखाएंगे। ग्रीष्मा, हमें टी शर्ट, प्लेन टी शर्ट चाहिए और एक्रेलिक कलर आपको लेना है जो हर स्टोर में यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी कलर के कलर्स चाहिए वो कलर लेने हैं। आपको ईयरबड्स लेने हैं, हम आज ईयरबड्स से कैसे पेंटिंग करते हैं वो सिखाएंगे। इस तरह से कलर टी शर्ट रेडी करके आपको उसमें जो भी डिजाइन करनी है, अगर आपको डिजाइन नहीं आती है तो सिंपल सा कोई भी ड्रॉइंग पास कर लीजिए। वो शायद आपको नहीं आता होगा लेकिन हमारे स्टूडेंट यानी कि आपके बच्चे भी आपको वो ड्रॉइंग करने में आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट को तो इतना सारा ड्रॉइंग तो आता ही है। वो आपको अच्छी तरह से ड्रॉइंग कर देंगे, फिर आपको उसे कटआउट करना है। प्लेन टी शर्ट लिया हुआ है, उसमें मैंने ये देखो हार्ट शेप ड्रॉ करके कटिंग किया हुआ है, ताकि हमें इस हार्ट शेप में पेंटिंग नहीं करना है, उसके बाहर की सरफेस में हमें पेंटिंग करना है, तो वो कलर अंदर ना चला जाए, इसलिए हमने ये ड्रॉइंग कट किया हुआ है। इसको पीछे से थोड़ा सा टेप लगा के यहाँ पे रख देंगे, ताकि हम जब भी काम करते हो तो ये हिल ना जाए और अच्छी तरह से हमारा फिनिशिंग रह जाए। टी शर्ट पेंट करते वक्त हमको टी शर्ट के अंदर भी न्यूज पेपर रख लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कलर कर रहे हैं ना, वो पीछे उसकी पीछे की साइड के वो कलर ना रह जाए, वो लग ना जाए, इसलिए बीच में हम इस तरह से न्यूज़पेपर या कोई भी पेपर रख देंगे जहाँ पे हम कलर करने वाले हैं वहीं पे। और फिर आपको जो कलर करना है वो डायरेक्टली कलर यूज करना है, उसमें हम पानी बिल्कुल से नहीं डालेंगे। हमने ये तीन कलर सिलेक्ट किए हैं, बीच में हम पिंक कलर, ब्लू कलर और ग्रीन कलर इसमें करना चाहेंगे। आपको जो भी कलर करना है, जो भी डिजाइन करनी है, वो आप सिलेक्शन कर सकते हैं उसका। क्या करना है, ये ईयरबड से इससे हम डायरेक्ट कलर करेंगे, इससे बिल्कुल ऐसे डॉट्स ही लगाने हैं। जिसको भी ड्राइंग करना नहीं आता है, हाँ, वो इजीली इस पे कर सकते हैं। जब भी आपको कलर चेंज करना है तो आप ईयरबड्स चेंज करें, वो ही कलर की ईयरबड्स नहीं लेनी है। ये तो मैम अच्छी तरह से हो रहा है ईयरबड से, हाँ इजी और फास्ट भी हो जाएगा, फास्ट हो जा रहा है। और वो जब ये हम स्टेंसिल ले लेंगे तो वो इफेक्ट भी अच्छी आ पाएगी। देखो ये मैंने दूसरा कलर लिया है थोड़ी सी इफेक्ट चेंज करने के लिए, बीच बीच में थोड़ा सा हम ये कलर लेते जाएंगे और थोड़ा सा स्प्रेड भी, हाँ पूरी एक लाइन में होगा तो नहीं अच्छा रहेगा, जैसे अंदर से बाहर निकलता है, हाँ बाहर निकलते निकलते जैसे स्प्रेड हो रहा है, ऐसा हम कुछ दिखाना चाहेंगे इसमें। पूरे स्टेंसिल के आसपास हमें इस तरह से कर देना है, कहीं पे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ले लेंगे,
कॉम्बिनेशन कैसा सिलेक्ट करते हैं वो भी बहुत मायने रखता है ग्रीष्मा। देखो पूरी स्टेंसिल जो हमने है वो कवर कर ली है, ज्यादा हमने पिंक कलर लिया है, डायरेक्ट ही कलर लेना है आपको, इसमें पानी नहीं लेना है, वो आपको याद रखना है, कहीं भी पानी ले लेंगे तो बहुत सारा स्प्रेड हो जाएगा और आपका पूरा टी शर्ट भी बिगड़ जाएगा, ऐसे डॉट डॉट नहीं दिखेंगे पानी हाँ। यूज करेंगे तो वो थिक कलर से ही ऐसी इफेक्ट हाँ। आती है। इस तरह से पूरी स्टेंसिल हमने कवर कर ली है और बाद में हम थोड़ा सा सूखने के बाद इस तरह से यस आराम से उठाना है, कोई भी कलर बहुत गीला है तो वहां पे आपका हाथ नहीं छूना चाहिए। हाँ आप अपनी बच्ची के लिए ऐसा टी शर्ट बना सकते हैं और उसको गिफ्ट कर सकते हैं। ये हमने कोई भी गर्ल टी शर्ट पहन सके इस तरह का बनाया, अभी आप किसी के बॉयज के लिए या अपने बच्चे के लिए क्या या अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाना चाहे तो वो भी हम एक टी शर्ट में दिखा दे ग्रीष्मा। हाँ यस मैम। इसी तरह से हमने बॉयज के टी शर्ट में करने के लिए ऐसे टाइट कटिंग करे हुए हैं और पीछे से हम थोड़ी सी सेलो टेप लगा के यहाँ पे चिपका देंगे। यस लेटर कट करके रखा है ना। यस यस और उसी तरह से हम ईयरबड से ही डॉट्स डॉट्स करके इसमें इफेक्ट लेंगे। ये सिल्वर कलर लेना है, सिल्वर कलर लेना है इसमें ताकि ये डार्क कलर है तो थोड़ा ब्राइट कलर इसमें लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके ये लेटर है तो बीच में जो स्पेस है वो भी हमें कवर कर देनी है ताकि उसका शेप परफेक्टली दिखाई दे हमको। प्लेन टी शर्ट है तो इसके ऊपर भी हम अच्छी तरह से ये लेटर करके भी कुछ नया कर सकते हैं। हाँ कुछ भी आपको मैसेज छोड़ना है तो हम इसके द्वारा मैसेज भी छोड़ सकते हैं। ये देखो ईयरबड से हमने डॉट्स डॉट्स करके थोड़ा सा बैकग्राउंड कंप्लीट कर दिया है। ये थोड़ा सा सूखने के बाद ये जो हमने टाइप चिपकाए हैं वो वहां से हटा लेने हैं। हाँ अब ये लेटर हम वहां से हटा देंगे। वाव मैम ये तो अच्छी तरह से लेटर की इफेक्ट आ रही है। हाँ स्टेंसिल बना के हमने लगा दी थी ना इसलिए। और इस पे हम थोड़ी सी ग्लिटर से 3D आउटलाइनर कर लेंगे और कोई कोई लेटर में हम कलर भी कर देंगे।
ये आउटलाइन हो गई, और कोई कोई टाइप में जो हमें मैसेज छोड़ना है तो हम किसी टाइप में कलर कर देते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए और अच्छा सा फिनिशिंग भी लगे। इस तरह से हमने दो दो लेटर में कलर कर दिया और दो लेटर में हम आउटलाइन दे देते हैं ताकि अच्छी तरह से हमारा मैसेज भी छूट जाए और हमारा टी शर्ट भी बढ़िया लगे। ग्रीष्म, जो भी पहनेगा पसंद आएगा ना? यस यस मैम, क्यों नहीं पसंद आएगा, दिल से जो बनाया है वो पसंद आएगा ही ना। देखो ये ग्रीष्मा कंप्लीट हो गया हमारा दोनों टी शर्ट, और इसी तरह से हम ये टी शर्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और इसी टेक्निक से हम किसी भी फैब्रिक पे पेंटिंग कर सकते हैं। ये हमने वो कुशन कवर में भी पेंट किया हुआ है इसी टेक्निक से, उसी स्टाइल से हमने इस कुशन कवर में भी पेंट किया हुआ है। आप इसी टेक्निक से किसी भी फैब्रिक पे पेंटिंग कर सकते हैं, अगर वो आपका ड्रेस मटेरियल हो या टी शर्ट हो या जीन्स हो या फिर स्कर्ट हो या कुशन कवर हो, पिलो कवर हो, बेडशीट हो, किसी में भी ऐसे इजी टेक्निक से आप पेंटिंग कर सकते हैं। और आप सबको इसी तरह से पेंटिंग करना है, और कहीं भी पेंटिंग करने में कोई भी दिक्कत हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे या ग्रीष्मा मैम को कॉल करके पूछ सकती है, हमें बता सकती है आपने क्या किया है। और हमारा नंबर है वो नोट कर लीजिए, मेरा नंबर है 9409405635 और ग्रीष्मा मैम का नंबर है 9016391034। और दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक के समय में आप कभी भी आप हमको फोन कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी आप अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कीजिए और कुछ नया बना के हमारे हमें कॉल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अरे